Good morning, all my dear student. I am your chemistry teacher. Now start the first numericals of chemical kinetics. Clear note? Now start. Write the rate of reaction in terms of rate of disappearance of reactant and rate of formation of product. It means आपके पास reactant और product दोनों चीज़ दी गई है. आपको निकालना है इसका rate. Clear not? Now your question number first. NO gases plus O3 gases gives NO2 gases plus O2 gases. That is your questions. Now you will find out the rate of reaction. The formula of rate of reaction del NO upon dT with negative sign is equal minus d del O3 whole upon my dT. That is also reactant side. So it means reactant side बेटा जो भी होगा वो हमेशा क्या आएगा negative sign में आएगा. Clear? जो product side होता है वो positive आता है. Is equal del NO2 upon dT. ये positive में आएगा. Is equal del O2 upon dT. ये also positive आएगा. तो it means हमेशा याद रखिएगा जो reactant side होता है negative आता है, जो product side होता है positive आता है. Now first question you will complete it. तो इट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन में जो रिएक्टेंट होगा वो नेगेटिव में आएगा, जो प्रोडक्ट में होगा पॉजिटिव में आएगा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि उसमें आगे से नंबर्स है. ट्वाइस सी टू ओ एस सिक्स गैसेस प्लस सेवन ओ टू गैसेस गिव्स फोर सी ओ टू गैसेस प्लस सिक्स एस टू गैसेस. रेट ऑफ रिएक्शन माइनस का डेल सी टू एस सिक्स होल अपॉन ट्वाइस डी टी इज इक्वल माइनस का डेल ओ टू होल अपॉन में सेवन डेल टी. तो इट मीन्स ये आपके पास रिएक्टेंट साइड होगा, प्रोडक्ट साइड में सेम एज इट इज ऐसे ही होता है बट पॉजिटिव होगा, जो आपके नंबर्स होते हैं होल अपॉन में आएंगे. ठीक है? डेल सी ओ टू अपॉन फोर डेल्टा टी इज इक्वल डेल एस टू अपॉन में सिक्स डेल्टा टी. क्लियर नॉट दिस क्वेश्चन? बिकॉज दिस इज नोन एज प्रोडक्ट साइड. तो प्रोडक्ट साइड हमेशा पॉजिटिव आती है जबकि आपके पास रिएक्टेंट साइड नेगेटिव आती है. क्लियर हो गया दिस क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बेटा आपके पास. थर्ड क्वेश्चन सी है. एस टू गैसेस प्लस आई टू गैसेस गिव्स ट्वाइस एच आई गैसेस. तो बहुत ईजी है, तो आप इजिली इसको कर सकते हैं क्योंकि कोई नंबर्स नहीं है, आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो. ठीक है? फॉर्मेशन. तो इसका आंसर देखिए आपके पास थर्ड वाला आंसर है माइनस का डेल एच टू अपॉन डी टी. तो नेगेटिव इसलिए है क्योंकि रिएक्टेंट है. इज इक्वल माइनस का डेल आई टू अपॉन डी टी दैट इज नोन एज ऑल्सो प्रोडक्ट साइड. क्लियर? इज इक्वल ट्वाइस एस आई था तो टू अपॉन में आ जाएगा डेल एच आई अपॉन डी टी. इट्स योर आंसर. क्लियर? ओके. नेक्स्ट आपके पास देखिए फोर्थ. फोर ओ एच गैसियस प्लस एस टू एस गैसियस गिव्स एस ओ टू गैसियस प्लस ट्वाइस एस टू एक्वस प्लस एस टू गैसियस. तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, पहले हम रिएक्टेंट साइड देखेंगे देन हम प्रोडक्ट साइड देखते हैं. तो इट मीन्स आपके पास रिएक्टेंट साइड में आप देखोगे तो आपके नंबर्स जो है वो होल अपॉन में आएंगे माइनस का डेल ओ एच अपॉन में फोर डेल्टा टी. तो इट मीन्स आपको समझ में आया है ये आपके पास फोर अपॉन में क्यों आया है, क्योंकि ये आपके पास क्या है फोर जो था मल्टीप्लाई में था और नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि रिएक्टेंट साइड का है. इज इक्वल माइनस का डेल एच टू एस अपॉन डी टी. तो इट मीन्स एच टू एस के आगे से कोई भी नंबर्स नहीं था तो डायरेक्टली आपने माइनस का डेल्टा एच टू एस अपॉन डी टी कर दिया. इज इक्वल डेल्टा एस ओ टू अपॉन डेल्टा टी. ये प्रोडक्ट का साथ प्रोडक्ट में आपके थ्री प्रोडक्ट हुए तो आपके रिएक्टेंट में टू थे तो टू नंबर्स आपके पास नेगेटिव में आई और थ्री आपके पास प्रोडक्ट है तो ये आपके पास प्रोडक्ट में आएंगे. तो डेल्टा एस ओ टू अपॉन डी टी इज इक्वल डेल्टा एच टू ओ अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल डेल्टा एस टू अपॉन डेल्टा टू डेल्टा टी. क्लियर नॉट? तो इट मीन्स ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि जो रिएक्टेंट साइड होते हैं हमेशा नेगेटिव आते हैं, जो प्रोडक्ट साइड होते हैं हमेशा पॉजिटिव आते हैं. क्लियर नॉट माय डियर स्टूडेंट? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन नाउ यू विल बी डिस्कस मी. क्लियर नॉट? नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए. क्वेश्चन हमें ढूंढा है आपके लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्रोज डिकम्पोज इन एसिड सॉल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फैक्टोज. तो इट मीन्स सुक्रोज आपके पास डिकम्पोज हुआ सिंगल, वो प्रोडक्ट में क्या हुआ है ग्लूकोज एंड फैक्टोज में अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ. तो इट मीन्स यहाँ पर आपको सब बताया गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है विद टी हाफ इज इक्वल थ्री आवर्स. वट फ्रैक्शन ऑफ सैम्पल ऑफ द सुक्रोज रिमेन आफ्टर एट आवर्स. तो एट आवर्स में कितना रह जाएगा. ठीक है बेटा? तो सॉल्यूशन में सबसे पहले देखिए सुक्रोज डिकम्पोज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रेट लॉ हैंस. तो इट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इज इक्वल टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन में आर आपके पास क्या होता है क्वेश्चन होता है. ठीक है? तो इट मीन्स आपने जो क्वेश्चन किए थे उसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो इट मीन्स डेरिवेशन किए थे. इट मीन्स तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या थी, के इज इक्वल टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन के लॉग आर नॉट अपॉन आर. तो जहाँ आपके पास क्या है टी हाफ की वैल्यू देखिए थ्री आवर्स, टाइम दे रखा आपको एट आवर्स और आर अपॉन में आर नॉट आपको फाइंड आउट करना है. क्लियर? इक्वल टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन में आर. टी हाफ की वैल्यू दे रखी थ्री आवर्स और टाइम दे रखा आपको एट आवर्स, आर अपॉन आर नॉट आपको फाइंड आउट करना है. तो टी हाफ की वैल्यू आपको थ्री आवर्स दे रखा है तो के इज इक्वल पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं. देखो टी हाफ दे रखा तो हाफ ऑर्डर रिएक्शन के थ्रू करते हैं तो आपके पास के इज इक्वल जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन टी हाफ. ये हमने फॉर्मूला कहाँ पढ़ा था, हाफ ऑर्डर रिएक्शन में. तो यहाँ पर टी हाफ की वैल्यू पे थ्री आर्स रखते हैं, थ्री आर्स से डिवाइड करते हैं दैट यू विल बी
ही फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के. तो यहाँ से के की वैल्यू मिल गई, तो के की वैल्यू हम कहाँ यूज़ करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. तो हैंस हम एक के की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर ऊपर रिएक्शन में रखते हैं. के इज इक्वल जो आपके पास वैल्यू है वहाँ पर आपने 0.231 पुट आउट किया, इज इक्वल 2.303 अपॉन में 8 एज इट इज, ऐसे आ जाएगा लॉग आर नॉट अपॉन आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. तो लॉग आर नॉट अपॉन आर की वैल्यू आपने पूरा सॉल्व आउट किया तो 0.8024 आया. ठीक है, जो आपने मल्टीप्लाई, पहले आपने मल्टीप्लाई किया देन डिवाइड किया होगा 2.303 से, तो आपके पास देन यू विल गेट योर आंसर 0.8024. क्लियर. आर नॉट अपॉन आर लॉग जब दूसरे साइड जाता है तो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाता है, 0.8024 आपके पास आंसर आ जाएगा एंटी लॉग में. तो आप लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल आपकी जो प्रीवियस बुक्स होती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं, ठीक है, रिफ्रेशर वगैरह, उसके पीछे से लास्ट में, लास्ट के पेज में देखिएगा लॉग और एंटी लॉग टेबल. ठीक है, तो इसमें फाइंड आउट करेंगे एंटी लॉग की वैल्यू तो 6.345 आएगी. देन इसको आप क्या करेंगे, तो आर नॉट अपॉन आर की वैल्यू आई 6.345, तो आप क्या करोगे, इसको पलट लोगे तो आपको फाइंड आउट करना है आर अपॉन आर नॉट. तो वन अपॉन में इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, 1/6.345. नाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ यू विल गेट योर आंसर 0.158. क्लियर नॉट माई डियर स्टूडेंट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए. ओके माई डियर स्टूडेंट, you will also solve the derivation of Arrhenius equation. Now you will get your answer log k2 upon k1 is equal ea upon 2.303 k t2 minus t1 whole upon me t1 upon t2. Clear not? Now read the questions. The rate of chemical reaction doubles for an increase in 10 k in absolute temperature from 298 kelvin. Calculate ea. Here t1 is equal 298 given, t2 is equal 300 k given, k1 is equal k and k2 is equal k 2k according to definition of questions. Clear? तो फर्स्ट लाइन में आपको दिया था रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स. ठीक है, तो इट मींस k1 की जगह k2 की जगह 2k आ जाए. क्लियर. वी नो दैट log k2 upon k1 is equal ea upon 2.303 k t2 minus t1 whole upon में t1 t2. ये आपके पास ऑलरेडी आपको क्वेश्चन गिवन है. क्लियर हो गया. तो k1 की जगह आपने नीचे k1 पुट किया जबकि k2 ऊपर वैल्यू उसकी जगह 2k किया, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस है. ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही है. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ea ऐसे रहेगा 2.303. अब आपके पास k की वैल्यू आप फाइंड आउट, अच्छा k की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, 8.314 कांस्टेंट वैल्यू होती है. नेक्स्ट ब्रैकेट में t2 की वैल्यू कितनी है, 308 माइनस t1 की वैल्यू 298 गिवन आपको, होल अपॉन में t1 t2 किया तो आपने फर्स्ट में क्या आ जाएगा आपके पास 308 मल्टीप्लाई 298. तो इट मींस क्लियर हो गया. और इसमें एक और चीज़ कही गई थी कि वो आपके पास स्टार्टिंग से सेकंड वाला क्या है 10 केल्विन बढ़ जाता है. तो फर्स्ट हमारे पास 298 था और दूसरा 308 कैसा है, इसमें आपने क्या कर लिया, ठीक है, 10 ऐड कर लिया. तो 298 में 10 ऐड कर दो 308 आता है ना बेटा. ठीक है, समझ में आ गया t1 t2 कैसे आया, हो सकता है किसी बच्चों को कन्फ्यूजन हो. तो ठीक है, नेक्स्ट आप फाइंड आउट करोगे log 2k अपॉन k ये कैसे आया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की लैंग्वेज है k2 की जगह 2k रखोगे क्योंकि डबल हो रहा है. ठीक है, तो k से k कैंसिल आओ, log 2 आ जाएगा ea अपॉन 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे 308 से 298 को, तो 10 आ जाएगा आपके पास होल अपॉन में 308 मल्टीप्लाई 298 कर लोगे. ठीक है, देन सॉल्व दिस आंसर देन यू विल गेट यूर आंसर ea इज इक्वल आ जाएगा log 2 ब्रैकेट में 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 ब्रैकेट क्लोज नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन 308 मल्टीप्लाई 298 होल अपॉन में 10. तो इट मीन्स आपने ea की वैल्यू निकाली तो log 2 के पास जो आपके पास जो log 2 था log 2 के साथ ही सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी नीचे की और ea और 10 आपके पास अपॉन में आ जाएगा. देन यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्लियर, देन यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड यू विल गेट योर आंसर. क्लियर नॉट माई डियर स्टूडेंट? Now student, start the next question clear or not. Now your next question is,